तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच की जा रही है। वो ये भी कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों के लिए कोई पद या दबाव काम नहीं आएगा। लखीमपुर की दुखद घटना जो हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, मतलब उसके आधार पर ना सरकार चलती है ना उस पर मेरा कोई बयान देना उचित है। इतना भरोसा प्रदेश को और प्रदेशवासियों को जरूर दिलाना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। तो वही अकाली दल का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी लखीमपुर पहुंचा, जहां उन्होंने मृतक पत्रकार रमन कश्यप के घर जाकर घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान जो परिवार पीड़ित है उसे हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अकाली दल के प्रतिनिधि मंडल में हरसिमरत कौर बादल, बलविंदर सिंह भुदंड, प्रेम सिंह चंदू और बीबी जागीर कौर, विक्रम सिंह मजीठिया शामिल हैं। ये फटकार तो बनती ही है कि इतना जुल्म, इतना तशद्दद और शरियाम वीडियोस दिख रही हैं, क्या हुआ? और बहुत जुम्मेवार शख्सियत जड़ी है उसने समर्थन, जब जुम्मेवार शख्सियत इतना बड़ा जुल्म करे तो सरकार जागे ना, तो इसलिए सरकार को फटकार तो बनती ही है। सरकार को चाहिए कि इंसाफ दे, कौन है जो भी दोषी है उसको इंसाफ देना। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह भी बहराइच पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर उन्होंने मृतक गुरविंदर सिंह के घर वालों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। इसके अलावा संजय सिंह ने बंजारन टाडा गांव में पहुंचकर मृतक दलजीत के परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा होता है तो फिर आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह आज बहराइच पहुंचे हैं। बात करते हैं संजय जी, आज आप यहां पर पहुंचे हैं, किस तरह से परिवार ने अपने दुख को आपके सामने रखा है? सरकार को आर्थिक मदद से ज़्यादा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। आप स्वयं भी पूछिए, ये झूठा प्रचार करते हैं चारों तरफ कि सब संतुष्ट हैं, सारे लोग मान गए हैं और सब सारा समझौता हो गया है। मैं सारे परिवारों से मिल के आ रहा हूँ, गुरविंदर सिंह जी के परिवार से मिला, लवप्रीत सिंह जी के परिवार से मिला, नक्षत्र सिंह जी के परिवार से मिला, रमन कश्यप जो पत्रकार थे मारे गए उनके परिवार से मिला, और आज इनके यहाँ आया हूँ दलजीत सिंह जी के यहाँ से। सबकी एक स्वर में मांग है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये संजय सिंह साफ तौर पर ये कहते हुए कि इनके साथ न्याय होना चाहिए, आम आदमी पार्टी साथ खड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीधे तौर पर इसी बीच ये जान लीजिए कि लखीमपुर कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। विपक्षी दल लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा, अजय मिश्र टेनी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो 12 अक्टूबर के बाद आंदोलन होंगे। तो लीजिए, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो तो सरकार बताएगी। 12 तारीख के बाद में आंदोलन होंगे और आंदोलन होंगे।